meant to wash me away. A tide that is taking me under. Swallowing sand, but nothing to say. My voice drowned out in the thunder. But I won't cry. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आपको शायद देख के पता चल गया होगा कि ये जास्मिन जो डिज्नी प्रिंसेस है उसका इंस्पायर्ड लुक है, लाइक रिक्रिएशन है। मैंने ट्राई किया है, पता नहीं कैसा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपने फेस को प्रेप कर रही हूँ बायो ऑयल से, क्योंकि जास्मिन का जो मेकअप था वो थोड़ा ग्लोई और ड्यूई था, तो इससे मैं अपने फेस को पहले प्रेप कर रही हूँ अच्छे से। फिर मैं जो स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड हाइलाइटर है, इसका शेड मुझे पता नहीं पिंक कलर का है, ये मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी। इसका जो ड्रॉपर है इससे अपने फेस पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी अपने हैंड से ही, तो एक अच्छा ग्लो आएगा अपने मतलब मेरे फेस पे, क्योंकि ये मेकअप बहुत ही ग्लोई और ड्यूई है। देख सकते हैं आप, मैं अच्छे से अपने फेस पे इसको लगा दूंगी तो अच्छे से एक ग्लो आ गया है फेस पे। तो अब मैं ये वाला आई एम्स्टरडम का जो प्राइमर है ये यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मैं पूरे फेस पे नहीं यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने पहले ये वाला जो हाइलाइटर यूज़ किया है। जहाँ पे मेरा पोर्स है, देखिए मेरा पोर्स यहाँ पे इस साइड पे है नोज़ के आसपास, तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करके लगा दूंगी तो पोर्स थोड़ा कम दिखेंगे, विजिबली कम दिखेगा पोर्स। मैं अपने पिंपल्स देख रही हूँ, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गया। अभी मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, वही जो मेबेलिन का फिट मी का जो मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है इन द शेड नेचुरल बफ। मुझे बहुत पसंद है ये फाउंडेशन, बहुत अच्छा, मतलब इतना भी फुल कवरेज भी नहीं है लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है फाउंडेशन। मुझे तो ड्यूई लगता है, पता नहीं ये मैट क्यों बोलते हैं इसको। मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पे इसको लगा दूंगी। ये एक्चुअली कैमरे पे दिख रहा है मेरे शीट का, पर ये थोड़ा सा ऑरेंजी है मेरे स्किन से। मेरा मुझे वार्म न्यूड परफेक्टली सूट करता है। ये पुराना हो गया इसलिए मैं ख़त्म कर रही हूँ लगा के। थोड़ा ऐशी ऐशी लगता है ये मेरे फेस पे, क्योंकि ये थोड़ा ऑरेंजी अंडरटोन में है। मैं अपने बेटी से बात कर रही हूँ बीच बीच में, तो ये मैं अपने नेक पर भी अच्छे से लगा दूँगी। ये जो है एक ब्लाउज है, इसका मैंने मतलब ड्रेस जैसे लगा दिया है। इतना अच्छा फाउंडेशन, इतने अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं लगा ही रही हूँ और बात कर रही हूँ, मेरे बाल देखिए खुल गया पूरा। अब मैं ये मेबेलिन फिट मी का जो कंसीलर है ये है इन द शेड लाइट, ये मैं हाइलाइटिंग पर्पस यूज़ करती हूँ। ये मैं यूजुअल एरिया जहाँ पे लगाती हूँ वहाँ पे लगा दूँगी, मेरे अंडर आइज़ पे, मेरे नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, मेरे चिन पे, मेरे फॉरहेड पे, और जहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी उसके बिलो मतलब नीचे लगाऊँगी, लगा के अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर दूँगी, मतलब ब्लेंड कर दूँगी तो एक हाइलाइटिंग इफेक्ट आएगा। मेरे अंडर आई मतलब इससे जितना मतलब ये नहीं है, डार्क नहीं है तो ये हाइड कर देता है, मुझे कोई करेक्टर या किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ अपने नोज़ के अराउंड भी, जहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी नोज़ पे वहाँ पे।
क्योंकि जास्मिन का फेस बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर दिखता है, जो वैसे भी जो फिल्म में दिखा है मैंने और जो कार्टून है उसमें भी दिखता है, बहुत ज़्यादा लाइक चिजल्ड है। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। अब मैं ये वाला एन वाई बे का जो कंसीलर और करेक्टर स्टिक है ये वाला एज ए कॉन्टोर यूज़ करूँगी। तो मैं थोड़ा डार्क कॉन्टोरिंग करूँगी, जहाँ जहाँ पे मैं लगाती हूँ वहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग लगा रही हूँ, मेरे नोज़ पे, जॉ लाइन पे, मेरे फॉरहेड पे और मेरे चिक्स पे लगा के अच्छे से मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए करती हूँ क्योंकि बहुत नॉइज़ आता है ऐसे करने से, अभी भी थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा। तो देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप उसको हर मतलब जब भी ब्लेंड करेंगी जब कॉन्टोरिंग, तो डाउनवर्ड मोशन में करिएगा, मतलब कीजिए, अपवर्ड में मत कीजिए जहाँ पे भी करेंगे। अब मैं मेबेलिन फिट मी का जो लूज़ पाउडर इन द शेड लाइट, ये मैं एज ए मतलब बेक करूँगी इससे अपने जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पे लगा के थोड़ा टाइम इसको रखने दूँगी, फिर इसको डस्ट ऑफ करूँगी तो अच्छा सा एक हाईलाइटिंग इफेक्ट आएगा। तो जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पे लगाया है, और पूरे फेस को आज मैं सेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा ड्यूई मैं दिखाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं पूरे फेस को सेट नहीं कर रही हूँ। मेरे ब्लाउज़ का डोरी दिख रहा है पीछे से। अब मैं ये वाला जो मेकअप रेवोल्यूशन का जो क्या बोलते हैं इसको आई शेडो पैलेट है उसमें से ये ऑरेंज कलर लेके मैं एज ए ब्लश यूज़ करूँगी अपने चिक्स पे। अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड का जो कॉन्टोरिंग पैलेट है उससे ये वाला जो कॉन्टोर शेड है ये लेके इससे पाउडर कॉन्टोर करूँगी जहाँ पर मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है उसके ऊपर। मैं आज थोड़ा हार्श कॉन्टोरिंग कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला कि उसका फेस बहुत ज़्यादा चिजल्ड है, मेरा तो थोड़ा इतना चिजल्ड नहीं है। जहाँ पे मैंने लगाया है वहाँ पे मैं कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी ये वाला लगा के थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर लूँगी, पाउडर कॉन्टोरिंग कर लूँगी, तो ये ब्रॉन्जर का भी काम करेगा। मेरे पास ब्रॉन्जर नहीं है, मैं खरीदूँगी ब्रॉन्जर। अब मैं छोटा वाला ब्रश लेके नोज़ को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने जो पाउडर लगाया था उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है, एक ब्राइटनेस आ जाता है। मैं थोड़ा कम लगाया और लगाने से और ज़्यादा ब्राइटनेस आता। और ये मेबेलिन फिट मी का जो पाउडर है इतना अच्छा है, मेरे फेस को पूरा मतलब ब्लर कर देता है। अब मैं मेबेलिन का फिक्सर जो है मेकअप फिक्सर ये लगा रही हूँ, लगा के एक ब्लेंडर से अच्छे से इसको डैप डैप कर लूँगी। अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, तो हाइलाइटर के लिए मैं आज जो वेट एंड वाइल्ड का जो प्रीशियस पेटल्स है उसमें थोड़ा सा गोल्ड अंडरटोन है, तो उसका फेस थोड़ा सा गोल्ड ज़्यादा दिख रहा था, वो मैं अपने फेस पे अच्छे से लगाऊंगी। मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत पसंद है, देखिए मेरा एक्सप्रेशन कैसा है। मैं अपने जहाँ पे लगाती हूँ चिक बोन पे, नोज़ पे वहाँ पे लगा रही हूँ। अब मैं ये लेक्मी का जो पाउडर हाइलाइटर है मुझे पसंद नहीं था पहले, अभी बहुत पसंद है, ये उसके ऊपर लगा रही हूँ। ये भी पूरा गोल्डन है, उसका शेड का नाम तो मुझे पता नहीं, लूज़ हाइलाइटर है ये। जहाँ जहाँ पे लगाती हूँ ब्रिज ऑफ द नोज़, फिर चिन पे, फॉरहेड पे, चिक्स पे। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का जो आई शेडो पैलेट है इसमें से ये व्हाइट शेड लेके इसको अच्छे से अपने आईलेट्स को सेट कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं जो लगाऊंगी वो क्रीज करेगा, मेरे बालों पे लग गया है हाइलाइटर। और गाइस मेरा साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, पता है मैं एक माइक खरीद रही हूँ तो तब साउंड क्वालिटी अच्छा आएगा। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का जो पैलेट है इसमें से ये जो ट्रांजिशन शेड है इसको एज ए ट्रांजिशन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा लाइट ब्राउन शेड है। अब मैं एक डार्क ब्राउन लेके उससे ज़्यादा डार्क जो है वो शेड लेके थोड़ा अपने क्रीज को डिपेंड अप करूँगी, मतलब डिप करूँगी। मैं जो जास्मिन का जो कोई करते हैं ना जो स्काई कलर का जो आई शेडो लगाते हैं, मैं वो नहीं, मैं थोड़ा और कलर लगाऊंगी, थोड़ा न्यूट्रल रख रही हूँ। अभी मैं ब्लैक शेड लेके इसको अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, थोड़ा सा और आईज डीप लगेगा। अब मैं ये मेबेलिन का जो कंसीलर पहले लगाया था वही कंसीलर एक फ्लैट शेडो ब्रश में लेके एक अच्छे से कट क्रीज करूँगी, फुल आईज पे कट क्रीज करूँगी। मैं थोड़ा ऊपर कर रही हूँ कट क्रीज क्योंकि मेरा आईज थोड़ा हुडेड है ना, इसीलिए दोनों आईज पे कट क्रीज कर लूँगी।
अब मैं ये वाला जो पहले वाला जो डार्क ब्राउन शेड है इसको लेके मैं अंडर आइज पे लगा रही हूँ, तो एक बैलेंस हो जाएगा ऊपर नीचे। अब मैं दूसरा वाला जो मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है उसमें से ये गोल्ड कलर ले रही हूँ। पहले मैंने हैंड से लिया था, फिंगर से, अब मैं ब्रश से ले रही हूँ, लेके जो जहाँ पे मैंने कट क्रीज किया है वहाँ पे लगा दूँगी। इतना ज़्यादा शाइन भी नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं ये जो स्टेक वर्की का लिक्विड आईलाइनर है, ये गोल्डन कलर का आईलाइनर है, इससे मैं जहाँ पे मैंने जहाँ पे मेरा क्रीज है इसका देख केप टूट के आ गया है वहाँ पे मैं एक मतलब एक लाइन क्रिएट करूँगी तो अच्छा लगेगा दिखने में, इतना दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं ये जो लेक्मी का इंस्टा आईलाइनर है इससे एक अच्छे से विंग ड्रॉ कर लूँगी। मैं विंग मतलब करने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। अब मैं ये मेबिलिन कोलोसल का जो मस्कारा है ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मैं फॉल्सेस यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आता नहीं है फॉल्सेस और मेरे आईज पे अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी मैं सीखूँगी धीरे धीरे। ये मैं मस्कारा एज ए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा मस्कारा है, देखिए कितना अच्छा लेंथ देता है, वॉल्यूम देता है। अब मैं लोअर लैश लाइन पर भी मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ये वाला जो वेट एंड वाइल्ड का जो आईलाइनर लाइक काजल पेंसिल है ये न्यूड है, न्यूड कलर में है ये। मैं क्योंकि जास्मिन का जो आइस मतलब लोअर लैश लाइन जो है, वाटर लाइन जो है वो वाइट था, तो मेरे पास वाइट नहीं है, मैं ये वाला न्यूड पेंसिल जो है ये यूज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है आइस थोड़ा बड़ा दिखता है, जितना जितना आपका आइस मतलब जितना है उससे बड़ा दिखता है, पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं कि लग गया है नीचे, अब मैं वही पैलेट में जो ब्लैक शेड है उसको थोड़ा सा लेके थोड़ा सा नीचे बैलेंस करूँगी क्योंकि नहीं तो मेरा आइज जो है वह वॉश आउट लगेगा। अब मैं ये ब्राउन शेड है इससे एक एंगुलर ब्रश से अपना मतलब आईब्रो कर लूँगी, जो जिससे मैं करती हूँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये वाला डार्क ब्राउन शेड है। तो जैस्मिन का जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है लेकिन उसमें भी नेचुरल है, तो वैसा ही मैंने किया है। अब मैं ये मेबिलिन का मेकअप फिक्सर जो है इसको अपने फेस पे और एक बार यूज़ कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से डेप डेप कर दूँगी। अब मैं ये वाला जो लिप लाइनर है मेबिलिन का इन द शेड डस्टी रोज़, मेबिलिन सेंसेशनल शायद वो वाला, उससे अपनी लिप्स को थोड़ा सा अंडरलाइन करके फिल कर दूँगी। अब मैं ये डार्लिंग इज़ाबेला का लिपस्टिक है इन द शेड 19, इसका नाम नहीं ये ब्रिक क्या शायद है समथिंग, वो मैं यूज़ कर दूँगी अपने पूरे लिप्स पे। उसके बाद मैं स्टेक वर्की का जो मैंने लिक्विड लिपस्टिक लाइक दिस ये अपने लिप्स पे दोबारा यूज़ कर दूँगी। तो ऐसे ही कलर था, कैमरा नीचे गिर गया मेरा, ऐसा ही जैस्मिन का कुछ ब्रिक पिंक मिक्स था, ऐसा लिप्स था इसका। तो गाइस दिस इज़ माय फाइनल फिनिश्ड लुक, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रिक्रिएशंस करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, उसके पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और भर भर के शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा नीचे कि आपको कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, और घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए क्योंकि कोरोना है।